बुरा मत मानना भाई, मैंने तुमको बहुत गाली गलौज की। गाली देने की वजह सिर्फ इतनी है भाई कि आप मुझसे भी बात नहीं करते हो कभी। खास ये देखिए, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकीर भाई। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? बस दुआ भाई आप लोगों की अपनी बताओ। क्या ईद की तैयारी हो गई? हाँ बिल्कुल भाई, अभी आ रहे हैं मार्केटिंग करके। हाँ यार, हमें भी आने में लेट हो गया। कहाँ गए थे कि आने में लेट हो गया? अरे हम भी मार्केट, यार सब घर का सामान वामान लाना, सब आए टाइम पर, सबको याद आता है ना। अरे भाई ये आज तो यार इतनी मार्केटिंग टाइट है कि एक का चार ले रहे सब भाई, छटा हुआ माल बेच रहे और मुंह मांगा दाम। सही सही बोले। अरे हमने भी यार तुमको वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसलिए भेजा, मैंने कहा यार नाराज वराज हो गए क्या यार आपको वाइट में, यार बात उठ नहीं यार आप लोग से नाराज क्या, वो दीने भाई जो दीने के खिलाफ है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ जाती आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना। वही वही अपना भी वही मिजाज है भाई, जहाँ दीनी मामले में बात होगी वहाँ पर फिर जो है कि अपने टेवर अलग रहते हैं, बाकी दिल के बहुत नर्म है हम। जी जी भाई, यही मेरा भी हाल है भाई, बस हम तौहीद से कम्प्रोमाइज हम नहीं करते हैं, बाकी सभी हमारे इंसानी भाई हैं। तो भाई ये बताइए, कल ईद की नमाज पढ़ने मतलब आप अकेले जाएंगे या अपने वहाँ की औरतों को भी लेके जाएंगे? भाई हमारे मसलक के अंदर क्या है ना, औरतें मस्जिद में नहीं जाती हैं। नहीं नहीं, ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए। ईद की नमाज भी हम लोग जो है ना मर्द सिर्फ साथ में पढ़ते हैं, औरतें अपना जो है कि तनहा तनहा पढ़ लेती हैं जो पढ़ना होता है। थोड़ा आपको एक इल्मी बात आपको बताए? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात सुनो। ईद की नमाज औरतों पे नहीं है ना भाई। और रहा सवाल जो नफिल नमाज है तो औरतें पढ़ लेती हैं ईद की खुशी में। हाँ तो मसला ये है, और आप लोगों की जमात में तो मेरे ख्याल से मस्जिद में औरतें नमाज जाती पढ़ने के लिए जाती है ना? जी बिल्कुल, हम खुद जाएंगे अपनी बेगम को लेकर। अच्छी बात है भाई। नहीं असल में बात भाई ऐसा है ना, देखिए हम अपने वहाँ की औरतों को हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ये अल्लाह के नबी का भाई ये ऑर्डर था, हुक्म था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम औरतों को ईदगाह लेके जाओ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बालिग हो या नाबालिग हो, चाहे वो पाक हो या मतलब भाई वो नापाक हो, हैज वाली हो। तो साहबिया ने पूछा कि अल्लाह के नबी जो हैज वाली है वो क्या करेंगी? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन वो जाके वहाँ साइड में अपना बैठेंगी। और एक साहबिया ने कहा कि अगर किसी औरत के पास चादर ना हो, ओढ़नी ना हो, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तो कोई दूसरी बहन उसको चादर उसको दे दे और वो ईदगाह जाए ताकि वो उम्मत की दुआ में शरीक हो। तो कितनी अहम इसकी हिकमत है, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी मसलक से भी साबित है। इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह के नजदीक भी ईदगाह में औरतों का मतलब भाई वो जाना अफजल है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस से भी साबित है। अब बताइए भाई, इसके बारे में भी मेरी तहकीक नहीं है इसलिए मैं इस मामले में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। जी जी, आपको आपको स्कैन भी हम भेज देंगे, ठीक है? ये बात उतरी हुई है भाई, ये गालिबन वो इमाम आजम की एक भाई वो किताब है, ठीक है, मुस्नद इमाम आजम, ठीक। अच्छा, उसमें वो एक बात को लेके आए, हदीस को लेके आए हैं, ठीक है, वो अभी आपको भेज देंगे। वैसे तो इमाम अबू हनीफा रहिमुल्लाह तक कोई भी सही सनद से किताब साबित नहीं है, लेकिन अब जो हनफी आलिम है उनका मानना है कि भाई इमाम आजम की भाई किताब है, बुक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बुक में भाई ये बात एकदम आई हुई है। और औरतों का खाली ईदगाह में आना ही कितना क्यों है भाई? आज चांद रात है, सारे बाजार में, मॉल में, मेले में, ठेले में, दरगाह पे, मजार पे और सफर में, मतलब हर जगह औरत जा रही है, ऑफिस में, कॉलेज में, लेकिन खाली दीन, दुआ, इबादत, इनमें औरतों को रोक दिया गया है। तो ये तो भाई औरतों के ऊपर नाइंसाफी है ना। हमारी औरतें अगर भाई ईदगाह नहीं जाएंगी, उम्मत की दुआ में शरीक नहीं होंगी, इमाम का खुतबा को नहीं सुनेंगी, तो वो अपनी औलादों की क्या मेरे भाई तरबियत करेगी? तो औरतों का दीन से जुड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आदमी दीन सीखेगा तो वो माशरे की भाई इसलाह करेगा, लेकिन औरत अगर दीन सीखेगी तो वो अपनी पूरी फैमिली की, बच्चों की भाई वो इसलाह करेगी। तो औरतों को मेरे प्यारे भाई मस्जिद में आने से मत रोकिए,
और अल्लाह के नबी ने तो कहा कि अगर तुम्हारी बीवी रात को भी मस्जिद में जाना चाहे तो उसको मत रोको। अच्छा, तो ये फिर जो हजरत उमर फारूक की जो रिवायत है कि औरतें जो मस्जिद में एक बार जा रही थी तो पीछे से किसी ने आवाज दिया या पकड़ लिया, फिर उस वक्त से जो है कि ममानियत हो गई औरतों के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ज़ईफ़ कॉल है भाई। वो असल बात अच्छा, ऐसी थी, अब जो हमारे हनफी भाई हैं वो खाली दो बातें पेश करते हैं, एक अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली और एक उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली। वो कहते हैं, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर अल्लाह के नबी आज अगर अगर वो होते तो औरतों का मस्जिद में जाना बंद करवा देते। ठीक। और दूसरी बात पेश करते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में औरतों का मस्जिद में आना बैन कर दिया, बंद करवा दिया। ये दोनों बातों का भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जवाब है। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो ये बात थी वो एक अंदेशा था, वो एक अंदेशा था कि उस दौर में इतना फितना मतलब भाई बढ़ गया था, तो वो एक उनका अंदेशा था। ये कोई मतलब ये दीन नहीं है, कानून हाँ, नहीं है। दीन तो वही है ये जो अल्लाह उनकी के नबी अपनी छोड़ राय के गए। थी, ये उनकी अपनी राय थी साहब, खुला कलाम ये है कि उनकी अपनी राय थी। नहीं, अपनी राय नहीं थी, ये एक उनका अंदेशा था कि अगर अल्लाह के नबी होते और ऐसा फितना देखते माशरे में तो वो औरतों का मस्जिद में जाना बंद करवा देते। तो आज के दौर में भी अगर ऐसा फितना हो जाए कि औरतें ना बाहर जा सके, ना मेले में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ऑफिस में, ना बाजार में, ना दरगाह पे, ना मॉल में, तो भाई तो वो मस्जिद में भी नहीं जाएंगी। लेकिन मतलब भाई वो टोटल जगह भाई औरतें जा रही हैं और सारे चोर चुक्के बलात्कारी रेपिस्ट मतलब वो खाली मस्जिद में आ गए, और बाकी सारे नेक लोग, ईमानदार लोग, साहूकार लोग वो बाजार, मजार, ठेला, मॉल, स्कूल, कॉलेज इनमें बैठे हुए हैं। तो ये तो दोगलापन है ना। और उमर रजी अल्लाह ताला अनु के दौर में भी औरतें आती थी मस्जिद में, जहाँ तक कि उमर रजी अल्लाह ताला अनु की जो बीवी थी आतिका रजी अल्लाह ताला अनु, वो खुद मस्जिद में जाती थी। और उमर रजी अल्लाह ताला अनु एक खलीफा थे, अगर वो लोगों को मना कर देते कि मस्जिद ना हो तो उस तारीख से आज तक लेके कोई मस्जिद जाता ही नहीं। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में औरतें आती हैं भाई, तमाम सऊदी के मस्जिद में औरतें आती हैं, तमाम भाई जो फॉरेन है, ठीक है, गल्फ है, आज भी औरतें आती हैं। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो हनफी मस्जिदें हैं उनमें औरतों का आना बैंड है। क्यों? क्योंकि औरतें आएंगी तो फितना, मतलब पूरी दुनिया में फितना नहीं है, खाली मस्जिद में फितना है। नहीं तो हनफी के नजदीक मेले, ठेले, मजार, सजार, ये जितनी भी चीजें हैं ये हनफी मसलक में सब पर जाना औरतों को नाजायज और हराम करार दिया गया है। किसी हनफी मसलक में या फिर किसी मौलवी ने हनफी मसलक के ये फतवा नहीं दिया है, ना ही तो जवाज का कायल है कि औरतें मेले में जाए या मजार में जाए, बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल रजी अल्लाह तआला ना फरमाते हैं कि औरतें जब नियत करके घर से निकलती हैं मजार पर जाने के लिए, तो उस वक्त से लेकर जब तलक वो अपने घर में दाखिल ना हो जाए तब तलक अल्लाह और उसके फरिश्ते की लानत उस औरत पे बरसते रहती है। तो हमारे मसलक में अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को हर जगह जाने से मना किया गया है। और हजरत अम्मी आयशा ने जो फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी होते तो इस दौर में औरतों को जाने से मना फरमा देते, तो हमारा हजरत अम्मी आयशा का जो ये राय है, जो उनकी अपनी कयास है, इस पर हनफी अमल कर रहे हैं और इस पर खरे उतर रहे हैं। जी जी किसी देखिए जगह जाने के मेरे जवाब प्यारे भाई, देखिए असल बात ये, देखिए दावा आपका क्या है? आपका दावा ये है कि आप आशिक रसूल हैं, तो बिल्कुल अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी औरत रात को भी मस्जिद जाना चाहे तो उसको मत रोको। तो लेकिन आप अल्लाह के नबी की बात को नहीं मान रहे और अम्मी ये आयशा के संदेशी से आप दलील पकड़ रहे हैं, कितने हदीस शर्म की बात है मेरे भाई। आपकी बात मैं मान रहा हूँ। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, ये हदीस है, मैं भी मानता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि औरतों को अल्लाह के नबी को अल्लाह के नबी के सामने खुद औरतें मस्जिद में जाती थी, हम इस चीज के भी कायल हैं। लेकिन इसके बाद ममानियत हो चुकी है, उसके बाद भी फारूक हरम के दौर शरीफ में में आ रही है, वो सारी दुनिया में आ रही है। तो अगर भाई वो मना होता तो सबसे पहले वहाँ भाई जहाँ पे सऊदी में दीन फैला है अरब कंट्री में, तो वहाँ पे बैंड होता ना। नहीं भाई, अगर मतलब जहाँ सऊदी से तो दीन भाई पैदा हुआ है, निकला है, वहाँ नहीं मना हुआ, बाकी पूरी दुनिया में मना हो गया मेरे और सिर्फ भाई, हनफी मसलक में मना हो गया। हनफी भाई अगर सऊदी से दीन इजाद हुआ है, निकला है, तो सऊदी से कितने भी निकले हैं, आप इस पर भी तो नजर तो डालिए। इतने तो हर जगह है, गुमराही तो हर जगह है। क्या सऊदी अरब वाले क्या भाई उल्टा सीधा काम नहीं करते? क्या सऊदी अरब वाले क्या मासूम है?
आपने जो दीन के बारे में कहा कि सऊदी से निकला है, तो कितने भी मैं आपकी एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने अगर मना करवा दिया होता तो अल्लाह के नबी के दौर से लेके सहाबा तक, ताबाई तबे ताबाई तक और आज के दौर तक अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में और तमाम सऊदी अरब में, गल्फ में, फॉरन में आज भी औरतें आती हैं, इंडिया में भी औरतें आती हैं, लेकिन जो जो हनफी मसलक की मस्जिदें हैं उनमें औरतों का आना मना है। अब ये जो तबलीगी जमाती हैं, ठीक, अब ये तबलीगी जमात लोग भाई वो भी हनफी हैं, अब वो कहते नहीं औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, लेकिन वो खुद अपनी बीवियों को, बहनों को भाई वो 40-40 दिन भाई वो जमात में लेके जाते हैं, तो ये उनका दोगलापन है। आप लोग बरेलवी हो, आप लोग भाई वो औरतों को मस्जिद में नहीं लाना पसंद करोगे, लेकिन उनके साथ सालन, कबाब, बिरयानी पैक करके बेहतरीन दरगाह पे जाओगे आराम से भाई, पिकनिक मनाओगे। ये कहाँ पे भाई, हनफी मसलक में जो बरेलवी मसलक में नहीं है, लेकिन आप लोग जाते हो तो ना आपका अमल देखा जाएगा, आपकी किताबें नहीं देखी जाएंगी। सुनिए, आप जो बोल रहे हो जाते हो, जो जाहिल तबके के लोग हैं उन लोग मजार पे अपने औरतों को लेके जाते हैं। और चलिए माशाल्लाह, मतलब आपने ये कह दिया कि जो लोग अपनी माँ बहन या हनफी औरतों को मजार लेके जाते हैं वो तमाम के तमाम जाहिल है। मैं अपनी बात बता दूं आपको, हम भी हनफी सिलसिले से हैं, हनफी मसलक के मानने वाले हैं। हमने कभी अपनी औरतों को, अपनी माँ बहनों को या अपनी बीवियों को दरगाह की जियारत नहीं कराया, बल्कि उन्होंने अपनी कभी इजहार जाहिर भी किया दरगाह पे जाने के लिए तो सख्ती के साथ उनको हमने मना किया है। तो जो ये दरगाह के जो मतलब भाई वो मतलब ट्रस्टी होते हैं, तो वो क्यों नहीं औरतों का बैन करते हैं, बाहर बोर्ड उतार देते हैं वहाबियों का 24 नंबर का आना मना है, तो नीचे भाई ये भी उतार दें कि औरतों का भी आना मना है, तो ये मतलब ये बात भाई ये लिखित में क्यों नहीं है? सुनिए, बम्बई के अंदर हाजी अली के नाम आपने सुना होगा? हाँ सुना है मेरे भाई, बड़ी बड़ी हीरोइनें आती हैं बॉलीवुड की। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है कि दरगाह पे औरतें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, लेकिन कैटरीना कैफ तो आ रही हैं, अजमेर शरीफ भी जा रही हैं, तमाम जो बॉलीवुड में जो नंगे नंगे डांस करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, वो मतलब वलियों की कब्र पे आ रही हैं, तो कितनी मतलब भाई कितनी बड़ी गुस्ताखी है वलियों की। और वहाँ के वलियों के जो मतलब भाई वो ठेकेदार बने हुए हैं, वो खुद बाकायदा उनका मतलब भाई वो कहते वेलकम आइए, ये उनकी गलती है, वो अपने खाने कमाने के चक्कर में हराम और हलाल। यही मेरे कहने का मतलब है कि इन मजारों को धंधा बना लिया गया है, बिल्कुल, लेकिन जो मस्जिद जो इबादत है वहाँ पे औरतों को रोका जा रहा है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने कब कहा कि उन लोगों ने धंधा नहीं बनाया है? नहीं नहीं, आप ईदगाह में अपनी औरतों को क्यों नहीं लेके जाते, मतलब इसका कारण क्या है? कि मतलब है कि अल्लाह के नबी ने रोका है? हजरत उमर फारूक से ये साबित है कि आपने औरतों को मस्जिदों में, ईदगाह का मसला हो रहा है आमतौर की मस्जिद में नहीं हो रहा है, आमतौर पे तो जाना ही चाहिए औरतों को, लेकिन ईदगाह भी मस्जिद में ही आता है मेरा भाई, मस्जिद जो बड़ी मस्जिद होती है। एक मिनट भाई, ईदगाह कहते हैं बड़े से मैदान को, लेकिन ईद की नमाज भाई वो मस्जिद में भी हो सकती है, तो दोनों आमतौर पे ईदगाह है, वो मेरा मसला ही नहीं है। आमतौर पे औरतों का मस्जिद जाने में जो राय है अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस की, वो ये है कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन और जो अफजल चीज है वो अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे के कोने में नमाज अदा करना, लेकिन वो अगर मस्जिद जाना चाहे तो उसको मस्जिद में आने में कोई रोक भाई वो कोई रोक टोक भाई नहीं कर सकता। ठीक, अल्लाह के नबी के दौर की आपको बात बता रहे हैं कि एक सहाबिया होती है, वो रात को ठीक है नमाज पढ़ने आ रही होती है, ठीक है, तो फजीर का टाइम होता है, तो उस दौर में अल्लाह के नबी के दौर में जो फजीर होती थी वो अंधेरे में होती थी ओवर टाइम पे, तो एक सहाबिया आ रही होती है, उनको एक आदमी पकड़ के उनका रेप कर देता है। अल्लाह के नबी तक भाई ये बात पहुंचती है, अल्लाह के नबी जो रेप करता है उसको सजा देते हैं, लेकिन उस औरत को या बाकी औरतों को ये नहीं कहते हैं कि यहाँ फजीर में बहुत अंधेरा होता है औरतें लोग मस्जिद में ना हो। फितना जो उठ रहा है फितने को खत्म किया जाएगा, कानून भाई नहीं बदला जाएगा, जो शरीयत है शरीयत रहेगी। अगर कोई रेप कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, कोई औरतें छेड़ रहा है उसके भाई हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन शरीयत भाई नहीं बदली जाएगी। अब इतने के तरह तो कोई कानून बदलते, कुरान हदीस बदलते, हजरत उमर फारूक से लेके हजरत मौला अली मुश्किल कुशा तक के, तो अच्छा ये बताइए कि माज़ अल्लाह उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी थी आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा, क्या उन्होंने अपने शोहर की बात नहीं मानी? वो अल्लाह के नबी के जमाने की बात थी, बाद में जब हजरत, अरे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सबसे आखिरी बीवी जो थी वो आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा थी,
तो क्या वो अल्लाह के नबी के जो है कि पर्दा फरमाने के बाद क्या उन्होंने किया था? हाँ, अच्छा, तो अपनी उस आखिरी उम्र हजरत तक भाई वो मस्जिद में जाती रही, तो क्या और उसने औरतें कभी मस्जिद में ही इतिकाफ मना करती थी, फरमाया था उसको? मस्जिद में ही ईदगाह में भी आती थी। और ये तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि पाक हो नापाक हो, एक बालिग हो रिवायत है नाबालिग हो, भाई, तो कपड़े हो ना हो, तो किसी से मांग के ईदगाह जाए। मैंने इससे उम्मत कहाँ की दुआ इनकार में किया? शरीक हो, मुसलमानों की दुआ में शरीक हो, ये तो हुक्म है। और ये मैंने इमाम इससे आजम इनकार अबू नहीं हनीफा किया है। रहमतुल्लाह भी भाई वो एकदम सही कह रहे हैं, तो इसमें मतलब दिक्कत क्या है? हजरते उमर फारूक की जो रिवायत है कि बाद में आपने मना फरमा दिया, औरतों को मस्जिद में जाने से रोका, बल्कि सख्ती के साथ आपने पाबंदी की है ये कि कॉल औरतें मस्जिद साबित में ही नहीं नहीं है ना जाएंगी। मेरे भाई। अरे मेरा भाई, एक नहीं सैकड़ों कॉल आपके मिल जाएंगे भाई साहब, कि हजरत उमर अली रजी के अल्लाह जमाने ताला में अन्हु के खाली 4 कॉल आते हैं, और चारों के चारों अइमा मुहद्दिसीन के नजदीक जईफ हैं। मेरे नजदीक क्या? जईफ नहीं है, हम कोई मुहद्दिस थोड़ी ना है। अच्छा, हजरत उमर फारूक के जो ये कॉल थे कि औरतें मस्जिद में ना जाए, तो ये जो ये आइम्मा कॉल ही नहीं थे, था ना, मेन चीज तो ये, उनका जो असली कॉल था वो आप पहले पता कीजिए क्या था, तो ऑटोमेटिक मामला आपके साफ हो जाएगा। ये तो कॉल ही नहीं था। नहीं था ना, बिल्कुल ये कॉल था कि आपने मना फरमाया औरतों को। अच्छा, आप अगर कहते उन्होंने मना नहीं अरे तो फरमाया तो सबसे आप पहले उमर रजी अल्लाह ताला अनु अपनी बीवी को मना करवाते ना मेरे हजरत भाई अली कि के जमाने में आतिका, कहीं से आज आपके के बाद औरतें आप की नमाज मस्जिद में पढ़ने नहीं के लिए जाएंगी, अपने मस्जिद घर में ही नमाज अदा कीजिए। मैंने सबको मना कर दिया है, और मेरी बीवी मस्जिद जाएगी? में अगर नहीं बाहर जाती थी, जाएंगे तो मना समझ करने के लीजिएगा बाद आपकी नहीं खैरियत जाती नहीं थी। है, तो वो पहले अपनी मना बीवी को रोकते। मना ये करने कैसे हो के सकता बाद है कि उनकी उमर बीवी रजी नहीं अल्लाह रोकी? ताला अनु सारी औरतों को रोक रहे हैं, और उनकी बीवी मतलब अपनी बीवी को नहीं रोक रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपकी बीवी हमेशा जाती थी, अगर उनकी बीवी हमेशा जाती थी अरे मस्जिद में, आखिरी भाई, आप जाके सीरत का मुताला कीजिए मेरे भाई, आप किताब वाकयात का हवाला, पढ़िए। वो आखिरी जमाने तक किताब का जाती हवाला रही, दीजिए, आप किताब और का आज हवाला तक औरतें आ दीजिए। रही है मेरे भाई। आज तक, हम कह रहे हैं पुरानी बात तो हटाइए, आज तक औरतें आ रही हैं। तो अगर वो तो उमर ऐसे रजी अजीब अल्लाह उम्र से ताला औरतें अन्हु आ रही हो जो इतने हजरत। बड़े खलीफा थे, वो कोई फैसला दे और किसी की मजाल है कि उस दौर से आज तक कोई औरतें मस्जिद में आ जाए? आप लेकिन नहीं, आज एक तक और आ रही है। पेश कर देंगे, हजरते अली के जमाने में भी कोई औरतें जा रही थी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हजरत उमर ने जब मना फरमाया तब औरतें जाती थी, और आपने जो हवाला अली पेश रजी अल्लाह किया। ताला अनु की जो बीवी थी फातिमा रजी अल्लाह ताला ना, वो भी मस्जिद में जाती थी। अरे मेरे भाई, वो मस्जिद में जाती थी, लेकिन हजरते उमर फारूक के मना करने के बाद एतिकाफ कौन भी गया? जो होता था मस्जिद में, अरे उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने जो मना किया वो कौल साबित ही नहीं है ना। जो चीज साबित नहीं उसकी दलील पकड़ेंगे? अरे मतलब अल्लाह के भाई, नबी की बात जो साबित है वो आप मेरे भाई छोड़े दे रहे हैं, जो नहीं, जो हजरत सहाबा उमर का का कौल कौल भी साबित ही नहीं है साबित उसको आप है। हुज्जत बना रहे हैं, तो ये भाई ये झूठा आशिक रसूल का दावा है मेरे भाई आपका। अच्छा, आप किताब का नाम बता दीजिए जिसमें हजरत उमर की बीवी हजरत उमर फारूक के जमाने में मना करने के बाद भी वो मस्जिद में जाती थी, और आपके नजदीक अगर हजरत उमर ने मना नहीं किया तो बहुत से जो नहीं, हजरत उमर मेरे के कौल, नजदीक भाई हम कोई अल्लामा थोड़ी ना है। जो भाई अल्हम्दुलिल्लाह जम्हूर जो भाई वो मुहद्दिसीन है, उलमाए दीन है, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 हनफी आलिम भी हैं, उनके नजदीक भी मेरे भाई भाई उमर रजी चार अल्लाह ताला इमाम अन्हु की का ये कौल तकलीद साबित करती ही है नहीं पूरी है। दुनिया, चार इमाम की तकलीद करती है पूरी दुनिया, चारों इमाम में से भाई किसके तकलीद, भाई नजदीक? चार इमाम की कोई तकलीद नहीं करता मेरे भाई, तकलीद तो दीन इस्लाम में है ही नहीं। क्यों नहीं है? कहाँ और चारों अइमा ने अपनी तकलीद से मना किया, चारों अइमा ने मना ये नहीं किया कहा किस कि हमारे जाने तकलीद के से? बाद तुम लोग हनफी मलकई शाफी हम्बली बन जाना, और मेरे भाई कुरान हदीस से अपना नाता तोड़ लेना, किसी उन्होंने ने कहाँ से नहीं मना कहा किया कि तकलीद करना नाजायज है या नहीं करना चाहिए? भाई। तकलीद जो करता है ना भाई, वो हिंदू होता है, ईसाई होता है, यहूदी होता है, ठीक अच्छा, है, मुसलमान नहीं होता है तकलीफ की अच्छा सही तारीफ क्या है बता दीजिए। भाई। तकलीद की जो तारीफ है हनफी मसलक का आपको हवाला दे दे रहे हैं, नहीं, मुसल्लम हमसे में नहीं, सबूत में आता है, आप हमसे नहीं, तकलीद आपसे मत का लीजिए। माना होता है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। अब ऐसी तकलीद कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू पंडित है आप गलत वो बता अपने रहे हो, भक्तों से नहीं, कह आप गलत देगा, बता रहे सुन हो, आप लीजिए सकीर गलत, भाई एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है जैसे कि बताइए। हिंदू पंडित है वो अपने भक्तों से कह देगा कि आज शनिवार वाले दिन सफेद रंग की गाय को, ठीक है, तुम रोटी खिलाओ तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो उस भक्त ने अपने पंडित की बात को बिना दलील के मान लिया, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू पंडित की तकलीद कर रहा है। ईसाई पादरी ने, अगर चर्च के पादरी ने ईसाइयों को कह दिया कि ये होगा, तो वो जो आम ईसाई होते हैं वो अपने चर्च की बात मान लेते हैं, पादरी की बात मान लेते हैं बिना दलील आपकी के, बात तो समझ गया, मैं ईसाई आपकी बात अपने समझ पादरी गया। की तकलीद कर रहा है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में आप कोई आलिम से पूछेंगे कि हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी का दीन बताओ, अपनी अकल अपना कयास अपनी जेब में रखो। अब मेरी भी सुनो, आपने बता दिया, मैं सुनाऊं?
जी नहीं, आप खाली इतना बता दीजिए कि तकलीद करने का हुक्म इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्ला ने उम्मत को कब दिया? मैं वही तो बताना जी चाहता हूँ, आप बताइए सुनोगे तो। आपने कहा तकलीद जो है पंडितों की बात पे लोग करते हैं, अपने भक्तों से जो पंडित कह देता है उसको करते हैं, ईसाई कहते हैं। की तारीफ है ना, बिना दलील की बात मानना। इमाम आजम या इमाम अबू हनीफा या इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम हम्बल बिन हम्बल, जितने भी चार इमाम नहीं, है, आप जितनों को छोड़िए, आप हनफी है खाली इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात। तकलीद के बारे में बता रहा हूँ कि ये तकलीद के तीन किस्में होती हैं। भाई जब तकलीदी मौजूद नहीं है दीन इस्लाम में, जो चाहे तीन हो चाहे 20 हो चाहे 300 हो चाहे 3,000, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने अभी आपकी मैंने पूरी बात सुना, आप मेरी सुनो अब। अच्छा अच्छा तकलीद जो हनफी या शाफई या मालिकी या हम्बली करते हैं तो सिर्फ फुरई मसले में करते हैं, बल्कि ये नहीं है कि अकीदे के मामले में इमाम आजम की तकलीद करता है कोई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कोई अकीदे में तकलीद कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि अकीदा उनका दुरुस्त था। आप लोग तो इमाम भाई को बात होती कि यानी जो किताबुल्लाह से साबित है उसमें तकलीद नहीं की जाएगी। जिस तरह अकीदे में तकलीद आप नहीं करते हैं अहमद रजा खान साहब आला हजरत की? बिल्कुल अकीदे में किसी की तकलीद नहीं होगी, अकीदे में तकलीद करने वाला गुमराह है। और आप पूरी फिर से कहिए वाला जुमला, अकीदे में तकलीद करने वाला गुमराह है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए? ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए। आप अपने हनफी फिका की कानून की किताब पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाएगा देवबंदी और बरेलवी अकीदे में किन की तकलीद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकौल आपके देवबंदी बरेलवी ये तमाम भाई ये गुमराह हो गए। अब आगे बोलिए। आप सुन लिए, सुना लिए, अब सुन लो। अकीदे का मसला जो मैंने आपके सामने पेश किया है, जो कुरान और हदीस से साबित है सराहतन, उसमें किसी की कोई तकलीद नहीं करता, बल्कि जो अल्लाह, जैसे कि अल्लाह एक तो है। ऐसा कौन सा अकीदा है जिसमें कुरान और हदीस से कोई अकीदा साबित न हो सराहतन? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अभी तक के सुना है, मैंने सुना, आगे की मेरी सुन लीजिए। नहीं तो आप मेरे मतलब ये है कि अल्लाह एक है, प्रार्थना कीजिए ना। ठीक है, इमाम आजम का अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, ठीक है। तो इमाम आजम की, अरे तो कौन से इमाम का ये अकीदा है कि अल्लाह चार है माज अल्लाह यार? अरे भाई वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इमाम आजम के अकीदे पे। अच्छा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इस मामले में अकीदा क्या था? एन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है इस मामले में अकीदा क्या था? अल्लाह कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, पहली बात तो इमाम आजम ने फरमाया अल्लाह के ताल्लुक से किसी ने ये अगर कह दिया कि अल्लाह जगह या जमाने में कहीं है तो वो काफिर है। इमाम आजम के कौल के मुताबिक अल्लाह के लिए जगह और जमाना मुतय्यर करना ये कुफ्र है, बल्कि अल्लाह ताला को जो ये कह दिया जाता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। आपने मतलब पेश किया, मतलब ये कहाँ, किस आपने मतलब भाई उसमें पढ़ ली? भाई साहब आप मुसनद इमाम अबू हनीफा में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। नहीं, मुसनद इमाम आजम तो एक किताब है, ठीक है, उसी का मैं अभी आपको स्कैन भी भेजूंगा, इसमें औरतों का जाने वाला, खैर वो बात अलग है। मैं इसी का हवाला आपको दे रहा हूँ, और कोई हवाला नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, इसी के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इस मामले में अकीदा क्या था कि अल्लाह कहाँ है, उनके नजदीक अल्लाह कहाँ था, खाली इतना बता दीजिए। अल्लाह के लिए कोई जगह और जो है कि जमाने को मुतय्यन कर ही नहीं सकता। जगह जमाना छोड़िए, अल्लाह है कहाँ? अल्लाह जहाँ शुरू से था वही है, और अल्लाह के लिए कोई जगह तय नहीं कर सकता कि अल्लाह कहाँ था। अल्लाह शुरू से अल्लाह कहाँ था ये अल्लाह ही जानता है, अल्लाह कहाँ था आपको नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की कॉल के हिसाब से आप काफिर हो गए। हाँ बता दीजिए, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो ये कहे कि भाई हमको नहीं मालूम कि अल्लाह कहाँ है, अर्श पर है या फर्श पर है, तो वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक काफिर है। ठीक, अच्छा। और जो ये कहे कि अल्लाह का अर्श कहाँ है हमको नहीं मालूम, भाई वो जमीन पे है या आसमान पर है, तो उसने कुफ्र किया। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कीदा ये था कि अल्लाह सुभान व तआला अपनी जात के एतबार से सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे अपने अर्श के ऊपर है, और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर को चारों तरफ। अल्लाह का अर्श कहाँ था? आप कहोगे अल्लाह का अर्श पानी पे था। हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम तो ये कहेंगे अल्लाह सुबहान व तआला का अर्श भाई सातों आसमान के ऊपर है, और अर्श के ऊपर अल्लाह सुबहान व तआला सातों आसमान मखलूक भाई जलवा फरोश है, मखलूक में आता है। सातों आसमान मखलूक में है या गैर मखलूक में है, आप ये बताइए। देखिए, सातों आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह सुबहान व तआला है।
बराबर है। तो अब बताइए अर्श जो ये है कुरान ये की आयत है सूरह ताहा की आयत नंबर 5 कि अल्लाह सुभान व तआला अर्श के ऊपर है, मखलूक है या गैर मखलूक है, ये कोई सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे भाई अर्श जो है मखलूक है या गैर मखलूक है? बिदती सवाल ऐसा कभी सहाबा ने भाई ने पूछा है? अर्श अल्लाह है या गैर अल्लाह है? माज़ अल्लाह तौबा तौबा, ये फिर भी देती है आप सवाल कर रहे हैं, ये आपके समझ के बाहर है। इसीलिए नहीं, कल को अभी कोई पूछे कि आला हजरत कौन था, वो कुत्ता था या इंसान था, क्योंकि आला हजरत ने अनवार रजा सफा नंबर 238 पे अपने आप को कुत्ता बोला, आप कोई पूछे कुत्ता था या इंसान था तो ये सवाल आपको कैसा लगेगा? किसी ने कह दिया कि अप्पू खान सुअर था क्या, तो मैं उसके बारे में क्या कहूंगा? नहीं सुअर नहीं था। नहीं देखिए, जिस दिन मैं अपनी जबान से कह दूंगा कि मैं सुअर हूँ उस दिन आदमी कहेंगे कि आपको सुअर है, लेकिन यहाँ तो आला हजरत खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो अब मैं आला हजरत को मैं इंसान कहूँ या कुत्ता कहूँ? किसके ताल्लुक से किसके बारे में फरमाया कि मैं कुत्ता हूँ, वो तुम्हारे लिए या हमारे लिए? अल्लाह के अपने लिए, आला हजरत ने खुद को कहा कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अनवार भाई अनवार रजा सफा नंबर 238 और हदाई के बख्शीश में भी आपको ये बात मिल जाएगी, वो खुद फतवा दे रहे हैं। मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, हजरत आदम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, तो क्या हजरत आदम अलैहि सलाम को आप जालिम कहोगे? नऊज बिल्ला, आदम अलैहि सलाम ने क्या कहा मैं जालिम हूँ? अपने आप को कहा उन्होंने कि मैं बहुत जालिम हूँ। जालिम कहा? हाँ, तो अल्लाह मैंने जुल्म किया है, अल्लाह मैंने जुल्म किया है मालूम है? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, उन्होंने अल्लाह सुभान व तआला की नाफरमानी कर दी शैतान के बहकावे में, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया ना, लेकिन आला हजरत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उसको अपने आप को कुत्ता कहना पड़ा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आला हजरत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उन्हें अपने आप को कुत्ता कहना पड़ गया? कि तुमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अगर कह दिया कि मैं जालिम हो गया, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर दिया, तो उनका एक माना मफहूम है। नहीं नहीं, मफहूम क्यों बयान कर रहे हो आप? मफहूम आपको समझ, तो आप मफहूम बयान कर दीजिए कि आला हजरत ने कौन से माने में मफहूम में अपना आपको कुत्ता बोल दिया और अपने बच्चों को कुत्ता बोल के गाली दे दी, मतलब अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और उन्होंने अपने आप को कुत्ता बना दिया, चलो अपने को बनाते तो बनाते, अपने बच्चों को भी कुत्ता बना दिया। अरे कोई अच्छा जानवर बना देते, बनाना ही था उसको कुत्ता ही जानवर मिला था। अरे भाई आप फिर आला हजरत का खा रहे हो। अच्छा चलिए ठीक है मेरे भाई, आला हजरत की साइड मत आइए, आप जहाँ हमारी बात हो रही है अल्लाह के ऊपर बात हो रही थी, तो अल्लाह के नबी एक बांदी से पूछते हैं, अब सुन लीजिए सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई, अल्लाह के नबी एक बांदी से पूछते हैं कि बता अल्लाह कहाँ है ऐन अल्लाह, तो बांदी कहती है कि अल्लाह सुभान व तआला आसमानों में है, तो अल्लाह के नबी पूछते हैं बता मैं कौन हूँ, तो वो बांदी कहती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसको आजाद कर दो ये मोमिना है, तो अल्लाह के नबी के सामने वो बांदी कह रही है कि अल्लाह सुबहान व तआला आसमानों पर है, टॉप पर है, सबसे ऊपर है, और आप अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबी ने उसके अकीदे के ऊपर भाई वो मोहर लगा दी और कहा कि भाई ये मोमिना है इसको आजाद कर दो, तो क्या माज अल्लाह अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था अल्लाह कहाँ है? सब कुछ मैंने मान लिया, तो ये बता और अल्लाह ताला ऊपर है, तभी तो आप दुआ को मेरे भाई ऊपर हाथों को उठा के दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला जमीन पर आप नमाज में पढ़ते हैं सुभान रब्बिल आला, अल्लाह सुभान व तआला सबसे आला है, सबसे ऊंचाई पे बड़ाई पे, तो मेरे भाई अल्लाह ताला ऊपर ही तो है ना, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा अपनी ओर उठा लिया, उठाता आदमी कब है? जमीन से ऊपर उठाता है ना, तो अल्लाह सुबहान तआला ऊंचाई पे है, सबसे ऊपर है। अरे भाई अल्लाह ताला बुलंद है, उसकी कुदरत बुलंद है, उसकी जात बुलंद है, ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि सातवें आसमान पर है, अरे सातवां आसमान तो अल्लाह ने बनाया। हाँ अल्लाह कुरान की आयत का इंकार कर रहे मेरे भाई, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को अकीदे में आप नहीं मानते की बात चल रही है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो इकरार करे कि अल्लाह का हर सातवां आसमान से ऊपर है वो काफिर है। कह रहा हूँ हदीस और कुरान से बात करो, वो आसमान से क्या क्यों है मेरे भाई, को जिसने कहा आसमान पर है वो काफिर है, इसलिए कि जिसने अल्लाह को अच्छा भाई चलिए बात अब लंबी हो रही है भाई भाई भाई, अब इससे पहले आप भाई अल्लाह के बंदे इससे पहले आप जानदात में और कुछ अपनी जबान से भाई कुफर भाई कुफरिया बातें बोल दें इस टॉपिक पे, आप बात ना कीजिए, जब आपको इल्म हो जाए तभी टॉपिक पे बात कीजिए। जमीन पे कौन है अगर अल्लाह आसमान भाई? सगीर भाई एन अल्लाह का टॉपिक इतना पेचीदा है ना, इसके ऊपर जब तक इल्म ना हो तब तक बहस भाई
मैं इसीलिए सिस्टम आपको नहीं कह रहा हूँ कि करनी आपको अगर इल्म नहीं वरना है आप तो इस मेरे धरती भाई पे मत ईमान से आना भी करो। घट अगर सकते आप हैं। अल्लाह ताला को सिर्फ अर्श पे महदूद कर दिया है तो अल्लाह जमीन सुबहान व अल्लाह से ताला थोड़ी। अपने अर्श के ऊपर भाई वो जलवा फरोश है, अच्छा तो अर्श क्योंकि पहले था या अल्लाह अल्लाह ताला पहले इस था? दुनिया में आ ही नहीं सकता ना मेरे भाई। अफूहान अफूहान, पहले अल्लाह था या पहले अर्श था? पहले अल्लाह था या अर्श था? अरे भाई ये सवाल ही बिदती है ना मेरे भाई आपका, और बेवकूफ बिदती आदमी, सवाल क्यों ऐसे करने पे हम लोग बच्चों की जवाब बात नहीं कर रहे देते। हो? आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो कि पहले आप पहले अल्लाह मेरे था सवाल या का अर्श जवाब दे था। दीजिए, दुनिया में अरे पहले कौन आया, मैं कह मुर्गा रहा हूँ आया साबित या कर दो, मुर्गी पहले आई अल्लाह था या या अर्श अंडा था? आया? आप कहते हो कि अल्लाह ताला अर्श भाई पे था, दुनिया में पहले तो मुर्गी अलहम्दुलिल्लाह आई हम या आपकी अंडा बात आया, तो ये मान ही ले बताइए। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आप साबित करो ना आप अल्लाह बताइए ना अर्श कुरान था। हदीस अगर की अल्लाह रोशनी में अर्श कि पे था दुनिया तो में इसका पहले मतलब पहले मुर्गी आई अर्श या था अंडा बाद में आया? अल्लाह हुआ, पहले से अर्श तकीर था भाई, बाद में दुनिया अल्लाह में हुआ? पहले कौन आया, मुर्गी आई या अंडा आया या मुर्गा आया, कौन ये आया? सब बातें ना करो, दुनिया में मुर्गी आई अंडा आया कुत्ता आया सुअर आया ये सब बात की बात है। आप पहले तो बता भाई ये दीजिए भी बात की पहले, बात है कि अल्लाह नहीं ताला तो ने आप पहले कहते हो अर्श कि को अल्लाह बनाया ताला किसको अर्श पे बनाया, था तो अल्लाह पहले पहले था अल्लाह या था अर्श या पहले था? था, मैं सवाल ये ये सवाल ही आपका बेबुनियाद है जवाब ना दो, आपका। आप आप मेरे फर्जी सवाल सवाल का करो तो जवाब जायज दीजिए है, आप हम पहले फर्जी अल्लाह सवाल था करें तो अर्श आपकी था। मेरी में गुस्सा आने लगता है। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ जहाँ, मेरे सवाल ये है कि पहले अल्लाह था सवाल या अर्श ये था? भाई, आपकी ये तो सवाल सवाल कभी का किसी जवाब दे सहाबी ने अल्लाह के नबी से नहीं पूछा कि पहले अर्श था या दो। अरे पहले अगर अल्लाह किसी ने था, नहीं पूछा तो ये मेरे भाई सवाल तो हम मैं क्यों आपसे पूछ पूछे रहा हूँ, मेरे आप भाई? मुझे जवाब दो। हम मनहजे सहाबा पे चलने वाले हैं, दीन पे कोई फर्जी सवाल हम नहीं करते हैं। कसर भाई, ये जो जो ये आपने ज्यादा अभी सवाल दावा करना होता किया है कि ना, अल्लाह कसरते ताला अर्श फर्जी पे था, सवाल, ठीक है ये मैं यहूदियों की आपके आदत है मेरे दावे के भाई। मुताबिक आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला पहले था या पहले अर्श था। अगर इसका आपके तो कहने के पहले मुर्गी मुताबिक, आई या पहले अंडा पहले आया आपके बताने के भाई? मुताबिक आप अर्श तो पे पहले अल्लाह था बताइए तो मेरे पहले भाई, तो आप अर्श था बता नहीं बाद रहे में मेरे अल्लाह से हुआ सवाल मगल्ला, करने पहले हदे मेरे भाई। अर्श था तो बाद में अल्लाह हुआ, अल्लाह ठीक है सुबहान व अर्श पे अल्लाह ताला था या भाई मैं? हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अरे भाई वो तो हम भी जानते हैं, एक छोटा छोटा बच्चा भी अब जानता है, पहले अल्लाह अल्लाह ताला था ने पहले और किन बाद किन में अल्लाह चीजों ही को रहेगा, बनाया, बाकी तो कोई अलग नहीं रहेगा। अलग हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने पहले कलम को अरे बनाया, बात को घुमाओ मत, सिर्फ दो तीन दूसरी शब्द हदीस की तो में आता बात है चल कि रही है, अल्लाह उस पर ताला बात ने करो। अर्श को बनाया, आपने और कहा हदीसों में अल्लाह आता ने है अर्श कि को अल्लाह ताला ने बनाया। कलम को बनाया, उससे कहा कि लिख, और अच्छा जो तो सबसे खुदा पहले किसको कयामत बनाया, तक होने कलम को वाला है सब बनाया? कुछ कलम ने भाई को लिख माशाल्लाह दिया, सुब्हानअल्लाह तो अलग सुब्हानअल्लाह। अलग हदीसों में आता है ना। अच्छा सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? अल्लाह बेहतर जानता है भाई, लेकिन जो बरेलवी का बातिल मेरे अकीदा है भाई वो सबसे ये पहले है अल्लाह के नबी कि सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि ताला वसल्लम ने के हदीस सबसे अव्वल पहले में अपनी अल्लाह दूर से कल्ला माज अल्लाह तक सुन लीजिए, नेहज हदीस पैदा सुन लीजिए, किया, शायद आपको ये ये हदीस नहीं मालूम टूटी होगी, आपके मनगढ़ंत काबिल मेरे भी भाई हदीस हदीस वाले से, होगी। इसका आप कुरान हदीस हदीस से लीजिए कोई दूर सबसे तक कोई पहले लेना अल्लाह ने देना किसको बनाया, आप नहीं। अल्लाह कहते हो ताला कभी ने पहले सबसे अल्लाह ने पहले अर्श को कलम, बनाया, फिर फिर कभी कहते हो कलम अल्लाह ने बनाया पहले